الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصتي سرقة المخزومية لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ये जो मैंने हदीस पढ़ी है किससे से जुड़ी हुई है। वाकया ये पेश आया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश खानदान की एक साहिब हैसियत औरत, कुरैश तो सब साहिब हैसियत थे, तो कुरैश खानदान की एक औरत ने जिसका नाम फातिमा था, उसने चोरी का इर्तिकाब किया, चोरी साबित हो गई उसके ऊपर। बनु मखज़ूम खानदान की थी, कुरैश की कई शाखें थी, तो उसकी एक शाख बनु मखज़ूम, उस शाख की थी वो औरत। तो ज़ाहिर है चोरी की सज़ा इस्लाम में हाथ काटना है। वसारे पतो वसारे वसारे पतो फ़क्ताओ आईदियहुमा, यहाँ से हाथ काटे जाते हैं। तो लोग बड़े परेशान हुए, पूरे कुरैश में ये बात बहुत ही ताज्जुब से ली गई और बहुत ही इसमें फिक्रमंदी का इजहार किया गया कि कुरैश की नाक कट जाएगी, बनु मखज़ूम की नाक कट जाएगी। तो लोगों ने सोचा कि किसको इसमें सिफारशी बनाया जाए, तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद का नाम लिया कि वही सिफारिश कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते हैं। उसामा बिन ज़ैद कौन है? ज़ैद बिन हारिसा के बेटे, ज़ैद बिन हारिसा हुजूर के मुंह बोले बेटे थे और चहीते थे। फिर मुंह बोले बेटे का रस्म की रस्म और रवाज को इस्लाम ने ख़त्म कर दिया, तो आपके चहीते बचे हो, तो उनके बेटे उसामा, इसलिए उनको कहते हैं महबूब और महबूब के बेटे। वो ख़ुद भी महबूब थे, बेटों की तरीक़े से पोतों की तरीक़े से आप इनको चाहते थे, उसामा को और ज़ैद को। तो कहाँ वो कर सकते हैं, वो हुजूर के सामने बोल भी लेते हैं, उनसे मुंह लगे हुए हैं, उन्हीं से सिफारिश करवाओ। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ गए कहने में लोगों के, सारे कुरैश के लोगों ने जो बड़े बड़े लोग थे बनु मखज़ूम के, उन्होंने तैयार कर लिया। तो उन्होंने सिफारिश जब की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए और यही अल्फाज फरमाए, अतशफाउ फी हद मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह की हद में सिफारिश कर रहे हो, अल्लाह की हद में सिफारिश कर रहे हो। तुमसे पहले वाले लोग इसीलिए हलाक हुए कि जब उनमें शरीफ और ऊंचे खानदान का मालदार आदमी चोरी करता तो उसको छोड़ देते थे, और जब उनमें कोई जलील और नीचे तबके का चोरी करता तो उसके ऊपर हद नाफिज करते थे, वो सज़ा देते थे उसको। और अल्लाह की कसम, आपने वो जुमला कहा जो पूरी दुनिया में अदल की तारीख याद रखेगी उसको, कि अल्लाह की कसम ये फ़ातिमा मखज़ूमिया तो अपनी जगह पर है, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद
फातिमा, उसका नबी नाम फातिमा था, कि फातिमा बिनत मोहम्मद, मोहम्मद की बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो कतअत यदहा, तो मैं उसके भी हाथ काटता। इसके तो इसके मेरी बेटी भी अगर चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटता। फर्ज करके बताया, मतलब फर्ज करो अगर ऐसा होता तो उसके ऊपर भी हद नाफिज करता। तो अदल इस्लाम का एक अहम वस्त है, इस्लाम की वैल्यूज में से एक कीमती वैल्यू है, और अदल अल्लाह तबारक व ताला को बहुत पसंद। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व ताला ने अदल का हुक्म दिया, इन अल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल, कि अल्लाह ताला तुमको अदल का हुक्म देता है, बल एहसान, और एहसान का हुक्म देता है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन अल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानत को मुस्तहिक तक पहुँचा दो। इज़ा हकम तुम बैनन्नासि अन तहकुमू बिल अदल, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। अन तहकुमू बिल अदल, इन्नल्लाह निअम्मा यईज़ुकुम बिह, अल्लाह बहुत ही अच्छी नसीहत कर रहा है तुम्हें। इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, अल्लाह सुनने और जानने वाला है। अदल का बहुत जिक्र है कुरान शरीफ में। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ा कुल्तुम फअदिलू, जब कोई भी बात कहो तो अदल की कहो, अदल की कहो। वलौ काना ज़ा क़ुरबा, फा तुम्हारे रिश्तेदार के खिलाफ ही पड़ रही, तुम्हारे बेटे के खिलाफ ही जा रही, दिल गुर्दे की बात होती है अदल करना भी। व बिअहदिल्लाह, अल्लाह के अहद को पूरा करो। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीन बिल्क़िस्त, शुहदा लिल्लाह, ईमान वालों कूनू क़वामीन बिल्क़िस्त, इंसाफ को कायम रखने वाले बन जाओ, इंसाफ को कायम करने वाले बन जाओ। शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाह बन जाओ। वलो अला अनफुसिकुम, अपने नफ्स के खिलाफ अब अगर गवाही देना पड़े तो गवाही दे देना कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और मैं इस सज़ा का मुस्तहिक हूँ। वलो अला अनफुसिकुम, अविल वालिदैन, या वालिदैन के खिलाफ भी अगर गवाही देना पड़े तो दे देना। वल अक्रबीन, और रिश्तेदारों के खिलाफ भी गवाही देना पड़े तो देना, अदल की बात है। तो इस्लामी तारीख ने बहुत ही अच्छे अच्छे वाकयात रिकॉर्ड किए हैं अदल के बारे में, और अदल इस ज़माने में मफकूद हो गया है। इस जमाने अदल हर जगह होता है, आपकी बीवी के साथ अदल, अगर आप बीवी के साथ ताल्लुक रख रहे हैं तो अदल करना, इंसाफ करना, आप यानी उसको जो हक है वो दें, मुसावात करें, ऐसा नहीं कि जुल्म कर लें। और फिर कई बीवियां हैं तो उनके दरमियान अदल, भाई हैं तो उनके दरमियान अदल, आपके कई बेटे हैं बेटियां हैं तो सबके दरमियान अदल, इंसाफ, कोई भी बात कहें तो अदल की बात कहें, किसी की तरफदारी ना करें। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी इसकी मिसालें मिलती हैं और बाप की ज़िंदगी में भी इसकी मिसालें मिलती हैं। एक मरतबा अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक शख्स को आर दिला दी और ग़ुलाम था वो, अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको आर दिला दी, कह दिया इब्न सौदा, कलूटी के बेटे, काला था ग़ुलाम, तो उसको गाली दे दी, इब्न सौदा, काली औरत के बेटे। तो उसने शिकायत कर दी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत डांटा, फरमाया या बदर इन्नकम रुअन फीका जाहिलिया, ए अबू ज़र तुम्हारे अंदर अभी तक जाहिलियत की आदत मौजूद है, इस वक्त भी इस्लाम ने तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, काला गोरा इस्लाम में कुछ नहीं है, तुमने क्यों उसको आर दिलाई। फिर आपने बहुत नसीहत फरमाई, गुलामों के बारे में नसीहत फरमाई, उसके बाद अबू ज़र ग़फ़ारी की हालत ही बदल गई,
बहुत ही अदल का ख्याल करने लगे। फिर वो एक चादर पुरानी खुद ओढ़ते थे, एक उसको देते थे, एक नई खुद ओढ़ते थे, एक अपने गुलाम को देते थे। एक मरतबा हजरत याला और उनके एक मजदूर में झगड़ा हो गया, तो याला ने क्या किया कि उसका हाथ काट लिया मजदूर का। याला रजी अल्लाह सहाबी है, तो लड़ाई हो गई तो हाथ काट लिया। उसने हाथ खींचा तो उस हाथ खींचा तो इनके दांत टूट गए हजरत याला के। तो आकर कहने लगे, हुजूर से कहने लगे कि ये बात पेश आई। तो कहा कि तो फिर क्या मैं ये कहूँ कि तुम उसका वो तुम्हारे मुंह में हाथ डाले रखे और तुम काटते रहो चबाते रहो उसका हाथ ऊंट की तरीके से, इसमें क्या तुमको इंसाफ मिलेगा? क्या यही हो सकता है तुम उसके मुंह में हाथ डालो, वो चाबे खूब तुम भी खींच लेना और फिर उसका दांत टूट जाए तो कोई बात नहीं। मतलब आपने कहा कि इसमें गलती तुम्हारी है, तुमने उसका हाथ काटा तो वो खींचेगा क्या, वो देता रहेगा मुंह में के खाते रहो तुम, खींचने का हक नहीं है क्या, गलती तुम्हारी। अब बस ये करो बराबरी के लिए, अगर उसका जहाँ उसका मतलब वो किसास ले रहे हैं, दियत ले रहे हैं, तो दियत इसमें नहीं मिलेगी बराबरी के लिए। तुम उसके मुंह में हाथ डाल दो, वो काटेगा तुम खींच लेना, उसका निकल जाए तो निकल जाए, मतलब ऐसे ही समझाया। तो बहरहाल इस्लाम ने अदल का बहुत हुक्म दिया है, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी अदल के वाक़यात पेश आए हैं। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का एक वाक़या लिखा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तो अदल में इतने मशहूर थे कि बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि अगर हुकूमत करना है तो उमर से सीखा जाए, उमर फारूक, अदल फारूकी मशहूर है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़माने का एक वाक़या है कि हजरत अली की एक ज़िरह गुम गई थी, तो वो एक नसरानी के पास गए बाजार में, तो वो बेच रहा था ज़िरह, उन्होंने पहचान ली ज़िरह, तो कहने लगे ये तो मेरी ज़िरह है, मेरी ज़िरह है, और तुमको काजी के दरबार में चलना पड़ेगा, काजी से फैसला करवाएंगे। हालांकि खलीफा हैं लेकिन ऐसे तो ले नहीं सकते, काजी फैसला करेगा, काजी इन्होंने ही बना रखा था। अब शुरहन काजी बहुत मशहूर थे, काजी शुरह उनका नाम है तारीख में कजा के मनसब में, काजी शुरह। तो उनके दरबार में पहुंचे तो दोनों ने मुकदमा रखा कि ये तो मेरी ज़िरह है। उसने यहूद नसरानी ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन को, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली उस वक्त हाकिम है, कह लगे इनको झुटलाता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाथ में मेरे है, कब्जा मेरा है, अब आप ही देखिए। तो हाजी शुरह ने कहा कि इस्लाम का हुक्म ये है कि जो दावा पेश करता है उसको गवाह कायम करना पड़ता है, दो गवाह, और जो इनकार करता है फिर वो कसम खा लेता है अगर गवाह पेश नहीं कर सकते। तो अभी अमीरुल मोमिनीन आप दावा कर रहे हैं, इसलिए कि अगर उसके हाथ में चीज़ है तो उसी की है बजाय, तो जो उसके खिलाफ बात कह रहा है वो दावा करने वाला हुआ, तो आपको दो गवाह पेश करना होंगे। तो हजरत अली पेश नहीं कर सके, और बाज किताबों में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम पेश किया हसन, या और एक किसी का नाम पेश किया, तो काजी शुरह ने रिजेक्ट कर दिया कि बेटे की गवाही बाप के हक में मोतबर ही नहीं है, आपके हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है। तो वो जो है इस्लामी शहादत पूरी नहीं हुई, और फैसला कर दिया कि उसी की रहेगी ज़िरह। तो जब ये सुना फैसला, वो भी पढ़ा लिखा था नसरानी, तो ईमान ले आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, ईमान ले आया
और कहा कि जिरा तो इन्हीं की, अमीरुल मोमिनीन की, वाकई जिरा तो इन्हीं की है। वो एक बार सवारी करके जा रहे थे, पीछे टंग रही थी तो गिरने वाली थी, मैंने निकाल ली थी, इनको पता नहीं चला। लेकिन चूंकि इस्लामी शहादत पूरी नहीं हुई थी, इसलिए फैसला तो उसके हक में हो गया था। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने जीरा भी दे दी कि तुम मुसलमान हो गए हो तो अब जीरा भी रखो, और भी उसको बहुत सारा इनाम दिया। तो बहरहाल अदल और इंसाफ करना चाहिए, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, अपना या किसी का भी नुकसान हो जाए, अदल करना ये बहुत ही अहम सिफत है। सारे बेटों के दरमियान अदल, भाइयों के दरमियान अदल, पड़ोसियों के दरमियान अदल, मतलब जो दो लड़ने वाले हों उनके दरमियान अदल। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि तीन बातें हैं जो उन पर अमल करेगा वो पक्का मुस्लिम है। एक क्या है, बज़लुस सलाम लिल आलम, सारी दुनिया को सलाम करें। एक है अलिन्फाकु मिनल इख्तार, हजरत अम्मार का कौल है, हदीस नहीं है, सहाबी का कौल है कि तंगी में भी खर्च करें। और तीसरा है अल इंसाफ मिन नफ्सी, अपने नफ्स से भी इंसाफ दो, यानी मतलब अपने खिलाफ भी इंसाफ की बात कह दो। तो अदल व इंसाफ कायम रखना ये मुसलमानों का फरीजा है, हत्ता कि गैर मुस्लिम हो, अगर एक मुसलमान है गैर मुस्लिम है, अगर उनमें लड़ाई हुई है, अभी बहरहाल जंग नहीं हो रही है, जंग नहीं हो रही है, तो अगर एक मुसलमान है गैर मुस्लिम है और उनमें लड़ाई हुई और आप देख रहे हैं कि गलती मुसलमान की है, तो जायज़ नहीं है आपके लिए कि आप मुसलमान की तरफदारी करें, क्योंकि तो जंग जंग है नहीं, तो मुसलमान की तरफदारी करना जायज़ नहीं है। आपको बरमला कहना चाहिए कि ये गलती तुम्हारी है और इसका हक बनता है चाहे कोई भी हो। तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू, कि किसी की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे, दुश्मन की दुश्मनी, कि तुम इंसाफ ना करो। अगर उसका उसका मसला आ रहा है, उसका हक बन रहा है, तो दुश्मन है वो, तो इसलिए इंसाफ को छोड़ने पर तुम्हें उसकी दुश्मनी आमादा ना करे। अदिलू, उस वक्त भी इंसाफ करो चाहे दुश्मन ही को देना पड़े। वो अक़रबु लित्तक़्वा, ये तकवे के ज़्यादा करीब है। इन्नल्लाह ख़बीरुन बिमा तअमलून, अल्लाह ताला बाखबर है जो कुछ तुम करते हो उससे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबी व अला आलिहि व सहाबीह।